The video of a science educator. Now let's start with the very important and the very generalized topic, that is motion. तो motion क्या होता है, इसको जानने से पहले हम देखेंगे कि मोशन आया कहाँ से है. So now let's move on to a discovery of motion. Discovery of motion. तो सबसे पहले बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, डेट इज एरिस्टोटल. उन्होंने डिस्कवर किया था, डेट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बॉडी इज टू बी एट रेस्ट. यानी कि क्या मतलब इनका, जो बॉडी होती है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, नेचुरल टेंडेंसी में वो क्या रेस्ट पर होती है. तो उस समय उसका दिया हुआ यह कोटेशन एंड स्टेटमेंट, इट्स प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सी एंड लॉट्स ऑफ कंट्राडिक्शन. तो उसी के साथ आपका जो टर्म है जो हम पढ़ रहे हैं, डेट इज फिजिक्स. तो एरिस्टोटल ने जब भी स्टडी करना शुरू किया अबाउट मोशन एंड अबाउट रेस्ट, तब उसी के साथ फिजिक्स भी डेवलप हुआ. सो फॉर्म देन ओनली द फिजिक्स ऑल्सो कैन इनटू एग्जिस्टेंस. सो Mention Greek the physics mean nature, that is the study of nature. तो फिजिक्स डेवलपमेंट है, तो ग्रीक वर्ड में क्या बोला जाता था, फिजिक्स मतलब था नेचर, तो हम फिजिक्स को बोलते द स्टडी ऑफ नेचर. अच्छा, ए पार्ट that is गैलीलियो कम फॉरवर्ड विद ऑन इनोवेटेड आइडियाज. गैलियोन जो गैलीलियो थे, जो साइंटिस्ट थे, गैलीलियो अपने नवीन विचारों के साथ आगे आए और ही डिस्कवर्ड व्हाट यू आर स्टडी इन दिस टॉपिक मोशन. उन्होंने पता लगाया कि आप इस विषय यानी जो टॉपिक था मोशन की, उस पर क्या अध्ययन कर रहे हैं. अगर आप मोशन को काफी इजी से अगर मोशन को काफी इजी तरीके से समझा जाए या देखा जाए कि मोशन होता क्या है, तो उससे एक वर्ड जुड़ा है, that is movement. That is movement. So that is if a body in motion, the body is in movement. यानी कि अगर बॉडी मोशन में है तो that is body is movement, तो बॉडी मूवमेंट कहलाएगी. तो so we can say so the movement of the object is called motion. ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मोशन. जो बॉडी जो हमारी ऑब्जेक्ट और मूवमेंट है वो हमारा क्या कहलाएगा, मोशन. मोशन, इस मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. जो फर्स्ट जो एग्जाम्पल्स जैसे हम देखते हैं, एग्जाम्पल ए रनिंग कार A boy running. Boy running. Moving a table phone fan. Moving table fan एंड सीलिंग फैन. ये हमारी क्या है इस जो मोशन के एक एग्जाम्पल्स हो जाएंगे. ठीक है, इनमें सामने क्या हो रहा है, एक मोमेंट्स हो रहा है और उस मोमेंट्स को हम क्या कह रहे हैं, मोशन. अगर मोशन को अपोजिट देखा जाए डेट इज कॉल्ड रेस्ट. ठीक है, अगर मोशन का अपोजिट देखा जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, रेस्ट. रेस्ट इट इज नॉट इन ए स्टेट ऑफ मोमेंट, यानी उसमें कोई भी स्टेट मोमेंट नहीं है. जब उसमें कोई मोमेंट नहीं है तो हमारी बॉडी क्या कहलाएगी, रेस्ट में कहलाएगी. कि व्हेन इट इज नो मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट. तो अगर कोई भी मोमेंट नहीं है तो ऑब्जेक्ट के अंदर तो द बॉडी इज स्टेट बी एट रेस्ट. ठीक है, अगर मोशन को अपोजिट में देखा जाए तो डेट इज कॉल्ड रेस्ट. ठीक है, व्हेन इट इज नॉट इन ए स्टेट ऑफ मोमेंट, यानी कि जो उसके स्टेट में कोई मोमेंट्स नहीं होगा तो रेस्ट क्या होगा, व्हेन इट इज नो मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द बॉडी, जो हमारे ऑब्जेक्ट है उसकी बॉडी में कोई भी मोमेंट्स नहीं है, इज सेड टू बी एट रेस्ट. तो हमारा क्या कहलाएगा, रेस्ट कहलाएगा. अब अगर हम इसके और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि आप किसी एक ट्रेन में बैठे हो. ठीक है, आप एक ट्रेन में बैठे हो तो आप ट्रेन के आउटसाइड देखते हो, ट्रीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो आप कैसे कुछ मूव करती हुई दिखाई देती है. तो अगर आप उसके रेफरेंस में ट्रेंड्स को देखते हो तो आपको लगेगा जो ट्रेंड्स क्या है, मूव कर रही है. ठीक है, अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, अगर आप अंदर की चीज़ों से अपने आप अंदर की चीज़ों से जो उसके अंदर हैं, चेयर्स हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट रखी है, कोई भी सामान रखे है, अगर आप उसके रेफरेंस में आप अपने आप को देखते हो तो क्या लगे कि आप जो हैं कि रेस्ट में है. ठीक है, रेस्ट में. अगर आप आउटसाइड ऑफ ट्रेन देखते हो तो क्या कहते हो, आप जो ट्रीज हैं, बिल्डिंग्स, आप क्या एक मूव करती हुई दिखाई देंगे, जिससे आपको क्या लग रहा है कि आप एक मोशन में हैं. ठीक है, मोशन में. अगर आप जगह कोई दूसरी ट्रेन आपकी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है, ठीक है, तो आप उस ट्रेन को देखते हो, आपको कैसे लगेगा कि हम मोशन में नहीं, मोशन में रेस्ट में है. ठीक है, तो आपको उसमें जो अपने उसका रेफरेंस ले लिया तो आपको जज नहीं कर पाओगे कि आप, ठीक है, मोशन में हो, कि आपको कैसे लगे कि आप रेस्ट में हो. अब जैसे ही वो आप ट्रेन एक क्रॉस करेगी, ठीक है, तो आपको फिर दोबारा वो ट्रीज एंड बिल्डिंग दिखाई देंगी. ठीक है, जिससे आप अपने आप जिससे आप ये रेफर कर पाओगे कि जो ट्रेन है वो मोशन में है. ठीक है, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी बस में बैठते हो, ठीक है, तो फिर वही जो सड़क एक स्ट्रेट रोड स्ट्रेट चलते हो तो आपको सड़क के साइड में जो ट्रीज हैं, बिल्डिंग क्या कर मूव करती हुई दिखाई देंगी, जिससे आप क्या कर रहे हैं कि मोशन में. पर अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, ठीक है, आप बस में बैठे, ठीक है, और कहीं गए तो उसमें क्या होगा, उसमें देखो पोजिशन चेंज हो रही है, तो सिंपल सी बात की मोशन हो रहा है. या फिर आप जब बस में बैठे तो अपने आप आउटसाइड देखोगे तो जो ट्रीज हैं, बिल्डिंग्स हो गए, आपको मूव करती हुई दिखाई देंगी. ठीक है, तो उसके रेफरेंस में क्या कह देंगे कि आप मोशन में हो. अगर आप जो बस का ड्राइवर है, अगर उसके कंपेरिजन आप अपने आप को देखते हो, उसके रेफरेंस में देखते हो, तो आप क्या करें, रेस्ट में होंगे. ठीक है, या और भी जो सीटें हैं और ऑब्जेक्ट जो और पर्सन आदि बस के अंदर बैठे, उसके रेफरेंस में आप क्या होंगे, रेस्ट में होंगे. अगर आप आउटसाइड ऑफ बस देखते हो आप क्या होंगे, रेफरेंस और मोशन में होंगे. तो हाउ कैन टू नाउ डेट द इज मूविंग एट द बॉडी इज एट रेस्ट. अब आप कैसे जानोगे कि कोई भी बॉडी है मूविंग में है, रेस्ट में है. ठीक है, अब इसे जानने के लिए आप कुछ वेरियस पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि टाइम, पोजीशन, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। ये कुछ वेरियस होते हैं जिसके हम बेसिस पे जानते हैं कि कोई भी बॉडी मूविंग स्टेट में या फिर रेस्ट में है। ठीक है, तो डेट इज द पोजीशन। पोजीशन क्या है? पोजीशन का मतलब क्या है? पोजीशन मीन इज लोकेशन। पोजीशन का मतलब क्या है? लोकेशन होता है। ठीक है, अब ठीक है पोजीशन चेंज यानी कि लोकेशन चेंज हो रही है, तो मोशन क्या होगा? चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द मोशन। ठीक है, जब भी आप मोशन में होंगे तो आपकी जो पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमने ये एग्जाम्पल, ठीक है, हमारा क्या एक ट्री है, ठीक है, हमने क्या एग्जाम्पल्स ले रही है, ठीक है, डेट इज ए पर्सन जिसकी पोजीशन ए है, ठीक है, और ये पर्सन मूव करता दिस डायरेक्शन, तो मूव करने के बाद पोजीशन बी पर आ जाता है। ठीक है, ठीक है, जैसे पर्सन मूव करता है तो क्या देखते हैं? ठीक है, जो इसकी पोजीशन थी पहले इस ट्री के पास में थी, अब जैसे इसने मूव करा तो पोजीशन चेंज हो गई। अब जो पोजीशन चेंज हो रही है किसके रिफरेंस में चेंज हो रही है? ट्री के रिफरेंस में पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डेट इज मोशन। ठीक है, हम एक नेक्स्ट जो एग्जांपल हम लेते हैं, ये हमारे क्या एक पार्क है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक पर्सन है जो इस पार्क में बैठा है। ठीक है, तो जब आप उस पार्क से मूव वहां से जा रहे थे तो यानी कि हाँ 11:30 पर जो पर्सन था वहीं पे बैठा हुआ था, तो फिर बाद में आप कुछ टाइम बाद वापस आए और आपने देखा कि जो पर्सन था वो अभी भी वहीं पर वैसा ही बैठा है पार्क के अंदर। ठीक है, तो आपने दोबारा उस आकर देखा तो टाइम था हमारा 12 o'clock, तो अब देखो इनकी पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं, तब भी वो उसी कंडीशन में वहाँ बैठा था, तो अब भी वो ऐसे बैठा था, वो 11:30 पर था, अब वो 12 o'clock पे, तो उसमें उसकी पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होता, और ये तो डेट इज रेस्ट। ठीक है, अगर हम इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लो डेट इज ट्री, अब देखो यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे हमने एक ये हमारी क्या हो गई कार हो गई। ठीक है, कार, तो इस पर्सन ने देखा भाई जो कार है भाई एक पोजीशन पर है, अब इस डायरेक्शन में जैसे मूव करती तो कार हमारी क्या कहे बी पोजीशन पे, ए से बी पोजीशन पर वो आ जाती है। ठीक है, ठीक है, अब जो इस पर्सन देख भाई जो कार की क्या पोजीशन चेंज हो, पहले वो ए पोजीशन पे थी, अब वो कहाँ पे आ गई? बी पोजीशन पे आ गई, तो किसके रेफरेंस में देख रहा? भाई पहले तो जो कार की पोजीशन थी ट्री के पास में थी, अब जैसे बी पोजीशन पर तो ट्री से दूर हो गई, अब वो चली गई। ठीक है, तो जो अभी देख रहे जो पोजीशन देखे किसके रेफरेंस में? ट्री के रेफरेंस में, तो इसमें क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रही है, डेट इज द मोशन। ठीक, तो अब मोशन हम क्या बोल सकते हैं? अगर हम मोशन इज सेड टू बी इज set to be a curve when the location of body is changed in reference to the position and time and with respect to the stationary point ठीक है। जो मोशन इज सेड टू बी अकर व्हेन द लोकेशन ऑफ बॉडी चेंज इज रेफरेंस टू द पोजीशन एंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी पॉइंट। यानी जो उसका स्टेशनरी जो पॉइंट है उसके जो रेस्पेक्ट हम देखते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, जो उसकी पोजीशन है वो चेंज हो रही है रेफरेंस टू द पोजीशन एंड टाइम। ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, मोशन होगा। अब जो मोशन होता है वो क्या है, उसके एक रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बात की है भाई, देखो ये जो एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है ये क्या देख रहा है, कार को ए पोजीशन पर है, जैसे बी पोजीशन पे चलेगी। अब उसने कैसे इसको अपियर्स किया, उसने क्या देखा, जो ए पोजीशन तो हमारा टीयर के क्या थे, नियर थी। अब जैसे बी पोजीशन के तो टीयर से अब वो चलेगी, वो दूर चलेगी, तो उसने किसके रेफरेंस में देगा, ट्री के रेफरेंस में। अगर हम मोशन को डिफाइन करना है तो हम उसे उसके लिए कुछ ना कुछ एक रेफरेंस पॉइंट से ही हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने बात की थी, अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, ठीक है, अगर आप उसके लिए रेफरेंस पॉइंट, अगर ट्रेन के आउटसाइड आप देखते हो तो जो ट्री है, बिल्डिंग आपको क्या मूव करते हुए दिखाई देंगे, तो उससे आपको लगे कि आप मोशन में हो। अगर आप ट्रेन मूविंग है, रनिंग कर रही है, अगर आप उसके अंदर बैठो, अगर आप उसके अंदर रखी चीज़ से अपने आप को कंपेरिजन करते हो, उनके रेफरेंस में अपने आप को देखते हो तो आप क्या लगेगा कि आप रेस्ट में हो। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ का आप मोशन को डिफाइन करने के लिए उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मोशन, किसकी, टाइप ऑफ मोशन। मोशन आर थ्री टाइप्स, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन क्या, थ्री टाइप्स का होता है मोशन। नंबर एक, रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। सेकंड आपका होगा सर्कुलर मोशन। और जो थर्ड होगा आपका ऑसिलेटरी मोशन। इसको हम स्टेशनरी लाइन मोशन भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं। लाइन मोशन अब हम बात करेंगे हमारा जो फर्स्ट जो हमारा द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन, द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, यानी हमारा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ठीक है, ठीक है, मान लो हमारा एक पर्सन है, यहाँ से पर्सन मूव करे एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, सीधा स्ट्रेट लाइन में, और एक बी पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसको हम या फिर रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है ये भी थ्री टाइप्स में होता है। ठीक है, ये थ्री टाइप्स में होता है। नंबर हम बात करते हैं फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मोशन की, जो हमारे क्या है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, ठीक है, जैसे हम बात की थी, अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, जो हमारा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ये हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स। दूसरा हम बात करते हैं वर्टिकल मूवमेंट्स। वर्टिकल मूवमेंट्स क्या होता है, या आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, आप वहाँ से किसी स्टोन को डालते हो, या फिर नीचे से गेंद को ऊपर फेंकते हो। ठीक है, यानी कि या अप या डाउन किसी चीज़ को आप थ्रो करते हो, तो हमारा क्या होगा, वर्टिकल मोशन। तो भाई देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसे वर्टिकली हम देखते हैं, या ऊपर से हम किसी चीज़ को नीचे डालते हैं, फिर ऊपर किसी चीज़ को बिल्कुल स्ट्रेट फेंकते हैं, तो ये भी हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में होता है, वर्टिकल भी। तो थर्ड टाइप है हमारा स्लेंटेड हाइट, एस स्लेंटेड हाइट। स्लेंटेड हाइट मूवमेंट जो होता है, आपने देखो जो एरोप्लेन्स होते हैं, ठीक है, वो इस प्रकार रन करेंगे, और ऐसे वो जो फ्लाइट करते हैं, ये तो इसको बोलते हैं स्लेंटेड हाइट। ये भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा जाएगा। ठीक है, जो हमारा स्लेंटेड हाइट। ठीक है, तीन टाइप्स होते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन के। नाउ इन फिजिक्स इफ वी हैव लोकेट ऑब्जेक्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस डेट इज एक्स वाई जेड, जिस प्रकार हम फिजिक्स के अंदर एक ग्राफ को कोऑर्डिनेट करते हैं, तो हम उसके लिए एक एक्सिस होना जरूरी है, जैसे इसके लिए हम ओरिजिन, उसी प्रकार हम जब हम मोशन को डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए भी एक ओरिजिन पॉइंट का होना जरूरी है, जैसे कि हमारा ओरिजिन पॉइंट हमारा जो ओ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें कोई भी ग्राफ कोऑर्डिनेट करना है, तो उसके लिए हमें एक ओरिजिन पॉइंट लेना जरूरी है। उस पर जब हम मोशन को डिफाइन करते हैं, उसके लिए भी हमें एक ओरिजिन पॉइंट का डिफाइंड होना जरूरी है, जैसे कि हम। ठीक है, अगर हम एक यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करते हैं, नंबर लाइन कैलकुलेशन, नंबर लाइन कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन। ठीक है, तो हमने क्या एक लाइन ले लेते हैं हम यहाँ पे, जो नंबर लाइन कैलकुलेशन लेते हैं, ये है हमारी एक लाइन। ठीक है, जिसका ये जो ओरिजिन पॉइंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। ठीक है, अब कोई मान लें यहाँ पे एक पर्सन है, अब हम कैसे पता चल रहा है मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से जो इसका हम पैरामीटर के ले लिया, मीटर में ले लिया हम इसको। ठीक है, मीटर में, ठीक है। और वो जीरो से चलकर क्या आ गया, 3 मीटर यहाँ पे आ गया, 3 पर। तो कितना जो इनका डिस्टेंस क्या होगा, 3 मीटर हो गया, ठीक है। अब इसका जो, अब हमें कैसे बचा 3 किलोमीटर, जो उसका ओरिजिन तो जीरो था, ठीक है, वो जीरो से चलकर क्या आ गया, 3 पे आ गया, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब अगर ये 5 मीटर और चल के यहाँ से जाता है, ठीक है, 3 से चला, वो कहाँ गया हमारा, 8 पर, ठीक है। 5 जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक, वो आ जाएगा यहाँ से, 3 से कहाँ से आ जाएगा, 8 पे आ जाएगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 होगा, कितना होगा, 5 मीटर दूर और वो आ गया। तो रिफ्रेंस पॉइंट क्या था उसके लिए, अगर मैं इसमें इसका जो, इसकी हम बात करता हूँ जो 3 मीटर जिस, ठीक है, मैग्नीट्यूड में 3 के लिए बात करता हूँ, मैग्नीट्यूड कितना है हमारा, 3 मीटर से। अब इसके लिए जो रेफरेंस पॉइंट क्या था, 0, और इसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या, 3, ठीक है, ठीक है। जब इसका जो रेफरेंस पॉइंट 0 था वो 3 पे आ गया, तो क्या होगा भाई, 0 से 3 पे आ गया था, सिंपल सी बात है, हम क्या उसमें मूवमेंट हो गया, पोजिशन चेंज हो गया, लोकोमोशन हो गया, ठीक है, तो मोशन हो गया, ठीक है। उसी प्रकार अब देखो, जब हम 3 से 5 मीटर और गए, 8 पर गए, तो अब इसके लिए जो इस मैग्नीट्यूड 5 हो गया, तो इसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, 3 होगा, 3 से वो 8 पर गया, अब उसमें कुछ ना कुछ मूवेबल हुआ है, पोजिशन चेंज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, किसकी, डिस्टेंस की, डिस्टेंस की हम बात करते हैं। मान लो हमारे पास एक पैराग्राफ, ठीक है, हम बात करें किसकी, डिस्टेंस की। डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। मान लो एक लड़का है राजू, जिसे अपनी ग्रैंड मदर्स के घर पर जाना है। मान लो यहाँ पे जो ये राजू का हाउस है, ठीक है, और यहाँ पे उसकी दादी का हाउस है, ठीक है, ये दादी का हाउस है, यानी कि ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ठीक है। और ये हमारा जो ये राजू हाउस है। अब राजू कहाँ जाना है, अपनी दादी के पास जाना है, ग्रैंड मदर के पास जाना है, ठीक है, ग्रैंड मदर के पास जाना है। ये ए पॉइंट हो गया उसके लिए, बी, सी, डी। अब ए से बी हो जाता है, ये हमारा क्या है, 3 किलोमीटर, और बी से सी 2 किलोमीटर, और सी से डी 3 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी इसके लिए, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए बी कितना हमारा 3, बी सी कितना 2, और सी डी हमारा कितना है 3। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, 8 किलोमीटर, ठीक है। तो वो अपनी दादी जो ग्रैंड मदर के पास जाने के लिए कितना दूरी तय करता है, 8 किलोमीटर। ठीक है, अब उसके एक कोई फ्रेंड है, अब वो क्या कह रहा है उससे, ठीक है, वो उसे एक शॉर्ट रास्ता बता रहा है, भाई अगर आपको अपनी दादी के पास जाना, आप ऐसे ना जाके ऐसे स्ट्रेट जाओ, ठीक है, जो क्या है, ठीक है, 2 किलोमीटर का ही रास्ता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, जो शॉर्ट, ये हमारा क्या होगा, शॉर्ट कट हो गया, एक शॉर्ट रास्ता हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस हमारा क्या हुआ, डिस्टेंस, ठीक है, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ और टोटल पाथ, टोटल पाथ, ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये तो हो गई डिस्टेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, बात करते हैं नेक्स्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अभी हमने बात की थी, भाई राजू ने अपनी ग्रैंड मदर के पास गया, तो उसने क्या गया, भाई 3 किलोमीटर ऐसे गया, 2 किलोमीटर गया और 3 किलोमीटर ये गया। ठीक है, ये हमारा किया था 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना था, 8 किलोमीटर था। तो उसके एक फ्रेंड था, ठीक है, उसके एक फ्रेंड आया, उसने उसे बताया कि अगर आपको अपनी दादी के पास जाना है तो ऐसे क्यों जा रहे भाई, ये तो बहुत लंबा रास्ता पड़ जाएगा, तो आप यहाँ से ऐसे भी जा सकते हो आप लोग। उन्होंने उसे क्या, एक शॉर्टकट रास्ता बता दिया। ठीक है, जो तुम्हारा क्या, जिससे उसकी दादी की जो हाउस था 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे ही पड़ता है। ठीक है, जिसमें उसका जो टाइम ही उसमें उसका बच जाता है। ठीक है, उससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ता। तो इसके लिए ये तुम्हारा क्या होगा भाई, इसका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन हो गई, और ये हमारा क्या है, इसके लिए फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, द शॉर्ट एंड पास्ट, द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एन object between the initial and final position, initial and final position is called डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो एक शॉर्टेस्ट पाथ जो ट्रेवल करा था बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट द्वारा जो शॉर्टेस्ट जो पाथ ट्रेवल किया गया था बिटवीन द इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, यानी कि हमारे इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट इन दोनों के बीच में एक शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई थी वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो हम डिस्प्लेसमेंट को हम ये भी लिख सकते हैं और ठीक है हम ये भी लिख सकते हैं फाइनल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन जो फाइनल पोजीशन होगी हम उसमें से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर सकते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं या फिर हम ये भी लिख सकते हैं द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इक्वल टू फाइनल पोजीशन ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन नो उसको हम स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग, जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग होगी हमारी इनिशियल फाइनल पॉइंट को, जैसे कि हमारा ये फाइनल इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा जोड़ा जाए, जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, फाइनल पॉइंट। देखो यहाँ से सीधा वो कहाँ से ए से कहाँ गया डी, अब देखो सीधा स्ट्रेट होगा भाई, इन दोनों इनिशियल फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन कर रही है वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्ट्रेट लाइन पॉइंट जैसे हमारा ए और बी ये दो पॉइंट है ठीक है, इनकी जो बीच की जो ठीक है अगर आप ऐसे सर्कुलर पाथ में गए कितना ये हमारा 5 किलोमीटर, आप एफ और ठीक है ये हमारा 7 किलोमीटर और ये हमारा 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। या फिर हम एक स्ट्रेट पाथ से हम ए से बी पॉइंट गए जो हमारा 2 किलोमीटर था ठीक है, डेट इज ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है अब इसके कंक्लूजन क्या होंगे, कंक्लूजन कंक्लूजन जाएंगे डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज remain constant, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट होगा और जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ठीक जो हमारा डिस्टेंस है डज नॉट कांस्टेंट नहीं होगा ठीक है, ये हमारे फर्स्ट कंक्लूजन। और जो हमारा जो सेकंड जो कंक्लूजन होगा डिस्टेंस इज distant is a scalar quantity. Scalar quantity while जबकि displacement is a vector quantity. ठीक है, ये हमारे कंक्लूजन होंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट होगा। जो हमारा डिस्टेंस क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है कि ये केवल मैग्नीट्यूड को ही शो करेगी, ये डायरेक्शन को नहीं बताएगी। केवल किसको बताएगी, मैग्नीट्यूड को बताएगी। ठीक है, जैसे कि भाई हम क्या ए पॉइंट से बी पे गए हैं, कितने 10 किलोमीटर गए। ठीक है, ये केवल मैग्नीट्यूड को बताएगी, डिस्टेंस यही बताएगी कि भाई हम अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल करनी है कि जैसे हम एक पॉइंट से बी पर पॉइंट पे तो हमने कितना 10 किलोमीटर की दूरी तय करी है। ठीक है, ये केवल मैग्नीट्यूड को बताइए। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी बताती है। ठीक है, डायरेक्शन को भी बताएगी। ठीक है, जैसे हमने बात की, अगर पॉइंट बी ए से हमें ए पर जाना है, ए पॉइंट ए से हमें बी पर जाना है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है 2 किलोमीटर गया। ठीक है, बी से पॉइंट किस डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में। जैसे हम बोल भाई आप अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाओगे 10 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, अब वो मैग्नीट्यूड को बता रही है और डायरेक्शन को बता रही है। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। आज के लिए इतना ही। तो जब तक आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें, अगर आप चाहते हो इसी प्रकार आपको इसके और भी जो लेक्चर आपको मिलते रहें, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे क्या होगा आपको अब जब भी मैं कोई नई इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, बाय।